ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिला प्रशासन ने जो व्यास जी का तहखाना है उसका ताला खोल दिया और उसमें पूजा भी हो गई। मेरे साथ हिंदू पक्ष के वकील अनुपम जी हैं। अनुपम भाई, मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का आदेश था उसके आदेश पर तहखाना तो खुल गया, लेकिन इस तहखाने का इतिहास क्या है? देखिए, ऐसा है कि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ये तहखाना किसी के पास नहीं था। ये जो विवाद अंग्रेजों के समय में हुआ था, सन 1800 के आसपास की बात है, उस समय जब विवाद हुआ था तो अंग्रेजों ने बड़े डायलेमिक, क्या कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एक टैक्टिक्स अपनाते हुए एक पोर्शन मुसलमानों को दे दिया, एक पोर्शन हिंदुओं को दे दिया, और उसमें जो तीन चार तहखाने वहाँ पर है उसमें एक व्यास जी को दे दिए और तमाम और भी लोग थे, यादव जी थे, तो उन तरह से दे दिया। तो सन 1800 से ये पूजा जो ये जगह जो है वो व्यास जी के पास है। 1819, हाँ, लगभग 1819 है। और तब से जो है लगातार सोमनाथ, व्यास और तमाम और सारी चीज़ें जो लोग लीनियज में थे वो लोग आते गए और वहाँ पर वो पूजा पाठ करते रहे। और वहाँ पर बाकायदे आपको बताऊँ कि शिवलिंग हुआ करती थी, और आज भी 1993 तक चीज़ें मौजूद थी, और आज भी आप देखेंगे ASI की रिपोर्ट में आपको चीज़ें मिली हैं, वो भी डिटेल में आप चाहें तो पढ़ेंगे, 836 पन्नों की रिपोर्ट और 39 पन्नों की रिपोर्ट है। तो वो वहाँ पे जो है उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि पोजीशन उनका था, और किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना तो प्रतिवादी संख्या 3-4 जो अंजुमन इंतजामिया, ना ही गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ, किसी के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि 93 में किस ऑर्डर से किस तरीके से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक RTI भी डाल रखा है ये जानने के लिए कि साहब किस ऑर्डर से वहाँ पूजा रोकी गई थी, क्योंकि और भी तो तहखाने ये हुआ, एक हफ्ता हो गया मुझे डाले हुए, अभी लेटेस्ट डाला है, ये जानने के लिए किस ऑर्डर से किया गया। अभी तो उसको आने में समय लगेगा, तो जब आएगा तो वो भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, पीस ऑफ एविडेंस होगा हमारे मुकदमे के लिए कि और जो तहखाने वहाँ पूजा कब रोकी गई, सारी जगहों को कब बंद किया गया, किस परिस्थिति में बंद किया गया, क्यों बंद किया गया, उसका कोई गवर्नमेंट ऑर्डर हो, कोई सर्कुलर हो, तो वो सारी चीज़ें है तो नहीं हालांकि, लेकिन एक रिकॉर्ड पर हमारे पास एविडेंस के लिए वो RTI एक जरिया है, तो वो हमने डाल रखा है। तो यही मैं सवाल पूछने वाला था कि एक तहखाना जो है वो तो व्यास जी के पास है, बाकी जो तीन तहखाने हैं वो कब बंद हुए थे, उनका क्या इतिहास है, अगर कुछ जानकारी हो? देखिए, 6 दिसंबर की जो घटना हुई थी, हाँ, उस घटना के बाद जनवरी में आनंद फानंद में ये सारा काम, बैरिकेडिंग तो उसी समय कर दी गई थी और इन लोगों को हटा उसी दिन दिया गया था, टोटली एंट्रेंस इन लोगों का जनवरी से एकदम बंद कर दिया गया। 93 से 93 के बाद वहाँ से पूजा बंद कराई गई है, और ये काम जो तत्कालिक सरकार थी उन्होंने कराया, कोई आदेश नहीं, किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, और उसको बंद करा दिया गया था।